नमस्कार, मैं इंद्र भूषण आप सभी का स्वागत करता हूं लोक बात में, जनता की बात जनता के साथ। आईपीएल सीजन 13 का 11वां मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 162 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बना सकी और इस तरह से हैदराबाद ने 15 रन से इस मैच को जीत लिया और अपने खाते में पहली जीत दर्ज की। इससे पहले सनराइजर हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले हार चुकी थी और दिल्ली कैपिटल अपने दोनों ही मुकाबले जीत कर यहां तक पहुंची थी। राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में गेंदबाजों ने हैदराबाद की पहली जीत की कहानी लिखी। राशिद खान ने 14 रन देकर 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 25 रन देकर 2 विकेट लिए। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 28 रन बने थे, लेकिन खलील अहमद के इस ओवर में केवल 12 रन ही बने। दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भुवनेश्वर ने पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ को पवेलियन भेज दिया, वो सिर्फ 2 रन ही बना सके। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने शिखर धवन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़े, लेकिन कप्तान रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। 8वें ओवर में राशिद खान ने अय्यर को आउट कर दिया। उन्होंने 21 गेंदों में 2 चौके की मदद से 17 रन बनाए। 10वें ओवर तक दिल्ली का स्कोर 54 रन था। 12वें ओवर में राशिद खान ने धवन को भी पवेलियन वापस भेज दिया। उन्होंने 31 गेंदों में 4 चौके की मदद से 34 रन बनाए। मुश्किल में दिख रही टीम दिल्ली को ऋषभ पंत ने संभाला। 13वें ओवर में उन्होंने अभिषेक शर्मा की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाए। दूसरे छोर पर सैमरन हेटमायर ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने 15वें ओवर में खलील अहमद की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े। इसी के साथ दिल्ली के 100 रन पूरे हो गए। 15वें ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर 104 रन था। आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 59 रन बनाने थे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर हेटमायर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 12 गेंदों पर 21 रन बनाए। उनकी जगह आए मार्कस स्टोइनिस ने चौका लगाकर खाता खोला। इस ओवर में एक चौका पंत ने भी लगाया और दिल्ली ने कुल 10 रन जुटाए। 17वें ओवर में राशिद खान ने ऋषभ पंत को आउट कर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पंत ने 27 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाए। राशिद के इस ओवर में कुल 5 रन बने। दिल्ली को आखिरी 3 ओवर में 44 रन बनाने थे। 18वें ओवर में टी नटराजन ने गेंदबाजी की। ओवर की पहली 5 गेंद पर सिर्फ 7 रन बने और आखिरी गेंद पर स्टोइनिस आउट हो गए, वो सिर्फ 11 रन ही बना सके। दिल्ली को आखिरी 2 ओवरों में 37 रन बनाने थे। 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाला, उन्होंने इस ओवर में केवल 9 रन दिए। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 28 रन बनाने थे और खलील अहमद ने ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल को आउट कर रही सही उम्मीद को भी खत्म कर दिया, वो सिर्फ 5 रन बना सके। टीम ने इस ओवर में 12 रन बनाए और कुल स्कोर को 147 रन तक ही पहुंचा सके। इससे पहले हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने शुरुआत संभाल कर की। पहले 5 ओवर में सिर्फ 24 रन बने। 6वें ओवर में एर्निस्ट नोकिया पर एक छक्का और एक चौका जड़कर वार्नर ने हाथ खोलने के संकेत दिए। अगले ओवर में बेस्टो ने अमित मिश्रा पर छक्का लगाया। इसी ओवर में हैदराबाद का स्कोर 50 रन के पार चला गया। 9वें ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने ईशान शर्मा की खबर ली। इस ओवर में वार्नर ने एक छक्का जमाया। अगले ओवर में अमित मिश्रा की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद उनके दस्तानों से टकराकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। दिल्ली टीम के रिव्यू पर वार्नर को आउट दिया गया। आउट होने से पहले वो 33 गेंदों में 45 रन बना चुके थे। अमित मिश्रा ने अगले ओवर में हैदराबाद को दूसरा झटका दिया। उन्होंने मनीष पांडे को किशोर रबाडा के हाथ कैच करवा दिया। मनीष पांडे सिर्फ 3 रन बना सके। 4थे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए केन विलियमसन रन बनाने के हर मौका भुना रहे थे। 16वें ओवर में उन्होंने नोकिया की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े। 17वें ओवर में उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े। 18वें ओवर की पहली गेंद पर बेस्टो ने 2 रन देकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की।
पांचवी गेंद पर रबाडा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। बेस्टोन ने 48 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाए। उन्होंने विलियमसन के साथ मिलकर 6.3 ओवर में 52 रन जोड़े। विलियमसन 20वें ओवर में 41 रन बनाए रबाडा का शिकार बने। 26 गेंदों की पारी में उन्होंने 5 चौके जड़े। अब्दुल समद 7 गेंदों में 12 रन बना नाबाद रहे और हैदराबाद के स्कोर को 162 रन तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से सबसे किफायती गेंदबाज रबाडा रहे। उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन दिए और विकेट लिया। अमित मिश्रा ने 35 रन देकर 2 विकेट लिया। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और इसी तरह की खबरों के लिए लोग बात को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।